जय सिया राम, सबको हाथ जोड़ के मेरा प्रणाम। रानी कुशवाहा कार्तिक माह का कथा का अध्याय मैं आप सबको सुना रही हूँ। एक नंबर एक अध्याय मैं आपको सुना चुकी हूँ, डाल चुकी हूँ वीडियो। अब दूसरा अध्याय नंबर एक में सत्यभामा पूछ रही है कि मुझे पिछले जन्म की बताओ कि मैं कौन थी, क्या थी, ये सब पूछ रही हैं। तो आगे दूसरे वाले अध्याय में यह आएगा कि क्या कैसे आगे की कहानी। कार्तिक माह में जितना हम लोग दीपदान कर सकें, जितनी हम पूजा कर सकें, तुलसी माँ की पूजा कर सकें, उतना ही कम है हमारे लिए। ये सब करने से, गंगा में स्नान करने से, सुबह जल्दी स्नान करने से, 3 बजे 4 बजे उठ के स्नान करने से, ये हमें बहुत फल मिलता है। इन सब चीजों को करने से बहुत ज्यादा फल मिलता है। भगवान खुश होते हैं, खुश होके हमें आशीर्वाद देते हैं, हमारी सारी विपत्तियों को हर देते हैं। पता ही नहीं चलेगा कि हमारे ऊपर कब विपत्ति आई और कब भगवान ने उसको बड़े आराम से, बहुत अच्छी तरीके से निकाल दिया। पूजा पाठ करने से बस यही फल मिलता है। श्री रामचंद्र जी, कृष्ण का, भगवान जी का नाम स्मरण करते रहें हर समय, तो भगवान क्यों ना हमारे ऊपर कृपा करेंगे, बिल्कुल करेंगे कृपा। तो कार्तिक माह की मैं आप सबको कथा बताती हूँ। अध्याय पहले एक हो चुका है, दूसरा अध्याय अगर आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कथा है ये, कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है जिससे कि बस ऐसे ही रट दिया और बस हो गया, नहीं, कथा है ये। बहुत ध्यान से सुनो, भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं। चलें दूसरे अध्याय की तरफ। सिमर चरण गुरुदेव के लिखु शब्द अनूप, कृपा करें भगवान सत्चित आनंद स्वरूप। जय सियाराम। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, क्या बोले, हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति एवं पिता के मारे जाने का समाचार मिला तो वह विलाप करने लगी। हा नाथ, हा पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूं? सही है, जब किसी का हमारे ऊपर से हाथ उठ जाता है, कोई चला जाता है, हम अनाथ रह जाते हैं, तो सही है, हम लोग यही सोचेंगे ना, हाँ हम क्या करेंगे, क्या ना करेंगे, कैसे करेंगे। ऐसे ही सत्यभामा बोल रही हैं, ये सब पिछले जन्म की कथा बता रहे हैं श्री कृष्ण। हा नाथ, हा पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए हो, चले गए, मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूं? अब मेरे भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मुझ विधवा की कौन रक्षा करेगा? मैं कहां जाऊं? मेरे पास तो अब कोई ठिकाना भी नहीं है। रहा इस प्रकार विलाप करते करते गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। चिंता में तो सभी बेहोश हो जाते हैं और धरती पर सोच सोच के गिर पड़ते हैं। बहुत देर बाद जब उसे होश आया, गुणवती को, पिछले जन्म की बात बता रहे हैं ना, को होश आया, हाँ होश आया, तो वह पहले की तरह, पहले की ही भांति करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के पश्चात जब वह संभली तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी गति हो सके। इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे जो धन प्राप्त हुआ था अपने पिता एवं पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। तत्पश्चात
वह उसी नगर में रहते हुए आठों पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगे। उसने मृत्यु पर्यंत एक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास एवं व्रत किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत ही प्रिय हैं। विष्णु भगवान को एकादशी व्रत और कार्तिक व्रत बहुत ज्यादा प्रिय है। इनसे मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने व व्रत व उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हैं तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सबको पाप करते रहना चाहिए, पाप नहीं करने चाहिए। ये बता रहे हैं कि गलती से, जानबूझ के नहीं, कहीं कभी अगर गलती से पाप हो भी जाए तो वो जल्दी कार्तिक महीने में स्नान करें और व्रत रहें तो उससे थोड़े पाप नष्ट होते हैं। स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान हैं। ऐसे श्री कृष्ण जी बता रहे हैं। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, बहुत ध्यान से सुनना, कार्तिक मास में महीने में मंदिर में जो इंसान झाड़ू लगाने वाले और स्वस्तिक बनाने वाले, यानी कि जो सत्य होता है ना, ऐसे 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 सत्य जो होता है बनाते हैं, हम लोग सत्य बोलते हैं, हाँ, तो उसको स्वस्तिक भी बोलते हैं, बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष श्रद्धा पूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया, यानी कि बुखार आ गया, ज्वर माने बुखार, बुखार आ गया और वह बहुत कमजोर भी हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। कितने ज्वर आने पर भी, मतलब बुखार आने पर भी, वो स्नान करने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए चली गई। गंगा तक तो वह पहुंच गई, परंतु शीत के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी, ठंड के मारे, शीत माने ठंड के कारण कांप रही थी। इस कारण वह शिथिल हो गई, बोले ठंडी पड़ गई। तब मेरे भगवान विष्णु दूत उसे मेरे धाम ले आए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए, जो इस समय यादव हैं। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे तो इस समय सत्राजित हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह अब डाकू है। और हे देवी, तू ही वह गुणवती है, कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही तू मेरी अर्धांगिनी बनी है। सप्तभामा को पिछले जन्म की कथा सुना रहे हैं। उन्होंने पूछा ना मैं कौन थी, क्या थी, ये सब बता रहे हैं। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था, इसलिए कहते हैं ना कि मंदिर में जिसने तुलसी का पौधा लगाया हो, बेलपत्र का पौधा लगाया हो, उसके तो भाग खुल जाते हैं, उनको बहुत कृपा होती है भगवान जी की। पौधा लगाया था, इस समय वह तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्वान है। उस जन्म में जो तुमने दीपदान किया था उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है। अब हम भी खूब दीपदान करेंगे, है ना, क्योंकि अगले जन्म में हमें भी सुंदर बनना है, खूब दीपदान करेंगे।
जो जन्म में जो तुमने दीपदान किया था उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है, क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पित किया था। उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हुई हो। बहुत ध्यान से सुनना, हुई हो। पूर्ण जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय हैं। दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत थोड़ा होता है। अर्थात कार्तिक मास के व्रतों को 16वां भाग भी नहीं होता। 16वां भाग भी नहीं होता। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने अर्थात कार्तिक मास के दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत थोड़ा होता है। अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। तो ये था दूसरा अध्याय, कार्तिक माह की कथा का दूसरा अध्याय। अब आगे तीसरा अध्याय चलेगा। तो जय सिया राम। सब लोग खूब पूजा करना, तुलसी माँ की भी पूजा करना, दीपदान भी, सुबह शाम दीपक जलाओ। जैसे पुन वाले पेड़ है ना, पीपल का पेड़ हुआ और बर का पेड़ हुआ, बेल पत्थर का पेड़ हुआ, समी का पेड़ हुआ, इनके पास दीपक जलाते हैं शाम को। तुलसी पे दोनों टाइम दीपक जलाते हैं, या फिर मंदिर में जाकर दीपक जलाओ, उसकी उनकी तो बात ही अलग है। फिर मंदिर में अगर जाकर दीपक जलाएं तो, या कहीं गंगा यमुना है वहां जाके दीपक जलाएं तो वो भी बहुत ज्यादा महिमा है। सबसे ज्यादा गंगा यमुना और मंदिर की महिमा है। अगर हम लोग नहीं जा पाते हैं तो अपने जैसे पेड़ हैं इनके नीचे जहां भगवान जी के पास में दीपक जलाएं। तुलसी के पास तो जलाना ही है। बेलपत्र का पेड़ हुआ, बर का पेड़ हुआ, शमी का पेड़ हुआ, पीपल का पेड़ हुआ, इनके पास दीपदान जरूर करें। जय सियाराम।